फ्रेंड्स कैसे आए? वो अच्छे होंगे। हमेशा की तरह मैं कंटेंट फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आज जो मेरा कंटेंट है ये हमारा यूएमटी टूल के ऊपर है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा यूएमटी टूल प्रो का क्यूसी फायर, ये जो क्यूसी फायर का सेटअप है, यहाँ पे जो क्यूसी फायर का सेटअप है इसका जो अपडेट आया हुआ है, तो इस अपडेट के बारे में वीडियो बना रहा हूँ और अपडेट को कैसे आपको फाइनली इंस्टॉल करते हैं सारा प्रोसेस में, बिल्कुल जो इस फील्ड में नए हैं फ्रेंड्स, तो मैं उनके लिए एक अपडेट देना चाह रहा हूँ। तो सारा चीज़ में आप वीडियो को जरूर एंड लास्ट एंड तक जरूर देखें। तो ये देख सकते हैं मैंने क्यूसी फायर का, ये देख सकते हैं V7 आ चुका है वर्जन इसका फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका V7 जो वर्जन है फ्रेंड्स, इसमें अपडेट क्या है मैं अपडेट आपको दिखा देता हूँ, और उसको डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, मैं भी इस वीडियो में भी कवर कर दूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मॉडल है, यहाँ पे S5 लेनोवो के, नोकिया के 8 और यहाँ पे OnePlus के 78, 899, ये सारे सैमसंग के M20, M012 है, ये सारे ऐड हो गए हैं। वी स्मार्ट के, सौमी का जो इसका मेन अपडेट है, सौमी का जो यहाँ पे आपको हेडिंग में आप देखेंगे तो हमेशा Redmi 9 Power 19, Note 9 4G, ये मॉडल्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं, फिक्स कर दिया है इन्होंने जो कि इसमें था। मेन अपडेट इनका यही है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा मेन अपडेट इनका यही है। सौमी के ऊपर था ये, आप देख सकते हैं सौमी का 9 Power 9 Lite ये इन्होंने अपडेट किया है बहुत बिग। तो ये हम देखेंगे चालू करके, फाइनली इंस्टॉल करके। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप सीधे डाउनलोड मिरर पे जाएंगे फ्रेंड्स। डाउनलोड मिरर पे जाने के बाद आप चले जाइए मीडिया फायर या गूगल ड्राइव में, आप चले जाइए ये GSM फॉरम है, UMT का GSM फॉरम आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे। जैसे आप आएंगे ये सेटअप है हमारा, ये है हमारा V7, ये देख सकते हैं आप, इसको क्लिक करेंगे यहाँ से आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे डाउनलोड हमने करके रखा हुआ है, जैसा कि आपको मैं बता दूँ यहाँ पे। तो चलिए इसको करते हैं फटाफट इंस्टॉल, क्योंकि हमने बताया था कि कैसे डाउनलोड करना है और इसमें क्या एक छोटी सी वीडियो है, ये अपडेट का एक वीडियो है फ्रेंड्स। तो इसे हम कैसे अपडेट करते हैं, इसे हम कैसे मैन्युअली, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें करना है एक्सेप्ट और यहाँ पे करना है नेक्स्ट और यहाँ पे करना है आपको नेक्स्ट और यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। तो ये बहुत ही इजी तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए वीडियो बना देता हूँ क्योंकि जो भी स्टूडेंट बिल्कुल भी फ्रेशर है, जो कभी भी काम नहीं किए हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो ये वीडियो में कमेंट करके ना बोले फ्रेंड्स कि हमें ये पता है। तो इसका जो अपडेट है मैं अभी इसका इंटरफेस भी खोल के दिखाऊंगा और इसके इंटरफेस को थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा कि कहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं यहाँ पे अपडेट के तौर पे बता देता हूँ, कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं है पर वो ऐड हुआ है तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आपको बता दे फ्रेंड। तो यहाँ पे कर देते हैं रिपेयर एक बार, या तो आप इसे क्लोज कर सकते हो पर रिपेयर कर दें ज़्यादा बेटर होगा, आप रिपेयर कर सकते हैं और इसे अनइंस्टॉल ना करें, ये विजुअल का C++ होता है, तो इसे आप रिपेयर कर दें, हालांकि आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, आप इसे अनइंस्टॉल ना करें। तो ये फाइनली ये हमारा कहाँ से डाउनलोड करना था ये सारा प्रोसेस फ्रेंड हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ से आप इसके फॉरम में जा करके इसके अपडेट के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं, ये आप देख सकते हैं GSM फॉरम का है। मेन अपडेट इनका यही था कि 9 पावर जो है Redmi 9 पावर इन्होंने ऐड किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम कर देते हैं क्लोज, अब इसको कर देते हैं नेक्स्ट और इसको हम कर देते हैं रन। तो यहाँ पे हम कर देते हैं यस फ्रेंड्स, और यस करने के बाद ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इंटरफेस ये हमारा अभी हो जाएगा, फाइनली ओपन हो जाएगा। तो इसके इंटरफेस को एक छोटी सी वीडियो में आपके लिए लेकर के आया फ्रेंड, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो ये देख सकते हैं यूएमटी का हमारा क्वालकॉम का इंटरफेस क्यूसी फायर 7.V V7.0 आ चुका है, आगे ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट आता रहेगा, तो ऐसे ही आपको डाउनलोड कर लेना है और हमेशा यूएमटी के नए अपडेट से आपको जुड़े रहना है। तो आप देख सकते हैं आपको पहला जो टैब है फ्लैशर का टैब है, तो आप यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं, आप सीधे प्रोग्राम पे टिक करेंगे और यहाँ पे रॉ पैच फाइल देंगे और बहुत ईजी तरीके से फ्लैश हो जाता है, आप ये टैब फ्लैशिंग का है। रीड एंड टूल में आप यहाँ से FRP हटा सकते हो, पैटर्न रीड कर सकते हो, फॉर्मवेयर रीड कर सकते हो, रीड इन्फो ले सकते हो, ये सारी चीजें हैं यहाँ से, आप इसे फॉर्मेट भी कर सकते हो, ये सारा चीज इंटरफेस यहाँ पे अनलॉकिंग का है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रेडमी में इन्होंने क्या ऐड किया हुआ है फ्रेंड्स। तो हम जाते हैं सौमी, सौमी में जाने के बाद इन्होंने Note 9 का जिक्र किया हुआ है, तो ये देख सकते हैं 9 9 पावर और 90 इन्होंने ऐड कर दिया है, आप इसको बहुत इजी तरीके से फॉर्मेट और इसके FRP आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड। आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे 90, यहाँ पे इन्होंने 9 कहाँ पे थे हम, यहाँ पे 9 90 और 9 पावर ये दो मॉडल इन्होंने ऐड किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं 90 और 9 पावर आप यहाँ से बहुत ही इजी तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग और बहुत ही इजी तरीके से अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो बात करें इसके
सौमी स्पेशल में, तो सौमी स्पेशल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसेट एमआई अकाउंट, ओल्ड, आप यहाँ से एमआई अकाउंट रिमूव कर सकते हैं, ये सारा चीज। एंट्री रीलॉक, बार बार आपका नेटवर्क कनेक्ट होने के बाद आपका एमआई अकाउंट वापस से लग जाता है, तो आप यहाँ से फ्रंट एंट्री रीलॉक कर सकते हैं, जिसमें आपका वापस से एमआई अकाउंट नहीं लगेगा। तो ये देख सकते हैं सारा इंटरफेस। एडवांस फ्लेशर है, और इसके बाद है फॉर्मवेयर स्टैक, एपीपी फाइल को आप स्ट्रैक कर सकते हैं, ओएपी फाइल को यहाँ से भी आप स्ट्रैक कर सकते हैं। क्वालकॉम सीपीयू का आप बहुत इजीली तरीके से यहाँ पे ओपी फाइल को सेलेक्ट करके आप यहाँ से स्ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वीवो, यहाँ से हमने एक वीडियो डाला हुआ है एमआई और वीवो का, डाला था हमने वीवो का V20 डाला था यहाँ पे। आप जिससे कि यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट करके या तो मैन्युअली मेथड से भी जा करके आप यहाँ पे फाइल दे सकते हैं। अब नहीं तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अपना ब्रांड सेलेक्ट करके, जो भी ये मॉडल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतने सारे मॉडल यहाँ पे ऐड है, S1 Pro, U10, जैसे बोलते हैं सर इसको कैसे हम रिमूव करें, UFS चीफ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीवो V19, V20, ये मॉडल्स को भी आप यहाँ पे Z1 Pro, आप यहाँ से भी जा करके आप यहाँ पे सीधा FRP रिसेट और यूजर डाटा को फैक्ट्री सेट भी आप यहाँ से बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप FRP भी डाल सकते हो, एक्सक्लूज कर देना है और आपका काम हो जाएगा। तो आइए, अभी ये जो अपडेट था, मेन अपडेट फ्रेंड्स यहाँ पे इनके मॉडल्स के ऊपर था, इनके मॉडल्स के ऊपर था। यहाँ पे इन्होंने जो सौमी का इन्होंने ऐड किया था 9 और 90 में, ये था। तो मैंने इसके साथ साथ मैंने सारे इंटरफेस को भी आपको यहाँ पे एक बार बता दिया। आप यहाँ पे NVU फाइल आती है, आप वहाँ पे दे करके नोकिया के फॉर्मवेयर भी आप यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं, बहुत ही इजीली तरीके से आप यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं। तो ये छोटा सा अपडेट था क्यूसी फायर की तरफ। तो इसमें जो जो अपडेट था मेरा, कैसे अपडेट करना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, और छोटी सी हाईलाइट भी मैंने यहाँ पे आपको बता दी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।